जो खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। हम हमेशा पुलिस को एक नेगेटिव सोच के साथ देखते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन की अपनी पॉजिटिव छवि भी है जो हमारे समाज को सुरक्षित रखती है। ऐसे ही पुलिस प्रशासन की एक पॉजिटिव छवि वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जब SHO ने अपनी जान की बाजी लगाकर आग में फंसी हुई 8 साल की मासूम दिव्यांग बच्ची को बाहर निकाला। उनके इस कारनामे को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मामला लंका थाना क्षेत्र के सुंदरपुर इलाके का है, जहां शॉर्ट सर्किट से एक अपार्टमेंट में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग में 8 साल की दिव्यांग मासूम बालिका सांभवी भी फंसी हुई थी, जिसे लंका SHO भारत भूषण तिवारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। वहीं क्षेत्रवासी व पुलिस की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना रहा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है। वहीं भेलूपुर CO सत्यन तिवारी ने बताया कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, आग से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। इंजन सिंह, हम 404 में रहते हैं। ये नीचे जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से डक में आग पकड़ा और उसके बाद नीचे से वायर के द्वारा ऊपर तक चला गया। छठे तक आग, मतलब सातवें तक आग पकड़ लिया था। और वो चूँकि धुआं ज़्यादा होने से, मतलब चूँकि गैस भर गया, लोग भाग नहीं पा रहे थे। उसमें कुछ लोग अंदर थे, जिनके कुछ लोग बाहर गए हुए थे, सब वो लोग भी सब उसी में रह गए। फिर बाद में जब उस पर जब लाइट कटी, बिजली विभाग को फ़ोन किया गया। बिजली कटने के बाद फिर वो पानी फायर जो हम लोगों का जो है फायर का जो है उससे बताया गया सब। सिचुएशन अंडर कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, नहीं कैजुअल्टी कोई नहीं, सब हम लोग ने कंट्रोल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब अंडर कंट्रोल थी। और हाँ, मैं 103 फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ। सबसे पहले एक्चुअली डक से आग पकड़ी है और वो डक से पूरा ऊपर 8th फ्लोर तक वो चली गई। अब रीजन तो अब चेक करने पता लगेगा बाद में कि क्या कारण है उसका। नहीं नहीं कोई कैजुअल्टी नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं, सब अंडर कंट्रोल रहा। हम लोग ने बड़े अच्छे तरीके से बिल्डिंग वालों ने उसको संभाला, कोई दिक्कत नहीं हुई, भगवान का शुक्र है, सब ठीक है। हाँ, उनकी तरफ से मदद मिली, लेकिन थोड़ा सा लेट आने में जाम उम की वजह से, अदरवाइज सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। तभी तो फायर ब्रिगेड के आने के पहले कंट्रोल हुआ है सब, नहीं तो कैसे कंट्रोल होता। जो स्थिति बन गई थी वो हम लोग ने खुद कंट्रोल करी है। और सारी बिल्डिंग वालों को भी क्या कहेंगे आप? भाई बिल्डिंग का यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस इसमें आनी चाहिए, एक इसकी वो हो जानी चाहिए बिल्डिंग के लिए लोगों को। ये बिल्डिंग है जहाँ पे इस तरह के सिस्टम फेलियर है भाई साहब। अगर आप देखिए खुद अगर अवेयरनेस है आप में, आप लोग सब मिल के अगर चाहेंगे तो स्थिति खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुई। किस तरह की घटना? ये रुद्रा टावर सुंदरपुर में आज लगभग 12:15 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली। तत्काल पुलिस बल मौके पर आया, आग लग चुकी थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से SHO लंका ने आग पर काबू पाया तथा रूम नंबर 302 में एक बालिका जिसका नाम सांभवी और दिव्यांग है, वो अंदर तख्त के नीचे छिप गई थी। उनकी माँ विद्यालय गई हुई थी और रिस्क लेकर जान पर खेल करके SHO लंका ने उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला। आग बुझ चुकी है, सब कुछ सामान्य है। सर, मानक की अगर बात की जाए तो बिल्डिंग में? हाँ, मानक पूरा रहा, इसीलिए आग पर काबू पाया जा सका, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर और आप देख भी रहेंगे कि इन्होंने जो कनेक्टिंग ये लाइन दे रखा है, प्लस इनका लिफ्ट है, प्लस इनका जो सीढ़ियाँ हैं, तो इस बिल्डिंग में आने जाने के कई रास्ते थे, इसके कारण बाहर के लोग भी सहयोग के लिए आए। फिर जो SHO ने रेस्क्यू किया है,
वो तो किसी तरह से खेलने में नहीं, बाल बाल बच गए हैं, धुआं था, धुएं के कारण थोड़ा सा चक्कर जरूर आया। बच्ची को आप देख भी रहे होंगे, दिव्यांग बच्ची है, वो भी थोड़ा सा नर्वस थी, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई और सब कुछ बाहर निकाल लिया गया।